आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आबकारी विभाग की टीम द्वारा आबकारी वृत्त मऊगंज एवं रीवा में संयुक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान ग्राम पहाड़ी में छोटी बंसल के रिहायशी मकान से 320 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 20 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, ग्राम बाकोलिया में रंजना साकेत के रिहायशी मकान से 320 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 25 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, पूजा साकेत के रिहायशी मकान से 360 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 30 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, ग्राम गर्रा में रामायण साकेत के रिहायशी मकान से 300 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 25 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, ग्राम गाड़ा में सबिता साकेत के रिहायशी मकान से 25 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद कर आबकारी अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण कायम किए गए। इस प्रकार से की गई कार्रवाई में कुल 5 प्रकरणों में 1600 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 125 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 1,78,750 रुपए आंकी गई है। वहीं वृत्त रीवा अंतर्गत जोगीनिहाई टोल प्लाजा के पास वाहनों की सघन चेकिंग एवं रोड गश्त की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सहायक आयुक्त आबकारी ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा के आसवन, विक्रय, परिवहन एवं संग्रह के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शनिवार को की गई कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक शबनम बेगम एवं मनोज कुमार बेलवंशी सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। जल्दी हो जाएगा।